अरे वाह, आज शाम को तुम घर पर कैसे? प्लीज नुमान, मुझे भी तंग मत करो। सुदेश पता नहीं कहाँ है, अभी तक घर भी नहीं आया, इतनी रात हो गई। बेगम साहिबा, कभी हमारी भी फिक्र कर लिया करें। लो, आ गए तुम्हारे लाडले। सुदेश। क्या तमीज नहीं है क्या? और मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूं, या सामने आओ। आओ आओ, आज मुझे एक चीज समझा दो। क्या लगता है तुम्हें, तुम किसी होटल में रहने आए हो? मतलब यहां तुम दोनों हनीमून मना रहे हो? बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब माँ बाप सामने बैठे हैं, बहन घर में है, ना सलाम ना दुआ। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा सुदेश। इस लड़की को यहां से निकालो, फौरन वापस भेजो इसे अपने बाप के घर। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है डैड, मेरी बीवी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉम आपकी बीवी है और आपके घर में रहती है ना, बिल्कुल उसी तरह समाहा मेरे घर में रहेगी। शट अप सुदेश, तुम इस घटिया लड़की को मुझसे कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे डैड मुझे इज्जत से शादी करके इस घर में लेके आए थे, उठा के नहीं ले आए थे। आज के बाद समाहा को कोई कुछ नहीं कहेगा, बीवी है मेरी। इसी काबिल है तुम्हारी बीवी, और ये तुम्हारे साथ ना इन सब चीजों की वजह से ही है। कुछ दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है, और वैसे भी अब मैं सुदेश की बीवी हूँ, आप सबको मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अच्छा बस तुम अंदर जाओ, गो गो इनसाइड द रूम, जाओ जाओ। तुम बस नहीं होगे। रुको, जा कहाँ रही हो? क्या लगता है तुम्हें, किसका घर है ये? समाहा, मैंने तुम्हें कहा है अंदर जाओ, जाओ। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। सुदेश, 3 दिन और इस ड्रामे को खत्म करो, और तुम एक कान खोल कर सुन लो, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे लाडले को वार्न नहीं किया था। अब यहां क्यों खड़े हो, जाओ ना अपनी बीवी के पास, जाओ जाओ, निकलो मेरी नजरों के सामने से। बिगड़ा बच्चा, समझ में नहीं आता किस लैंग्वेज में समझाऊं यार।